आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहां पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पेशावर ने हकीकी तौर पर दिल जीत लिया है। आज पेशावर बाजी मार गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से यहां पे आए हुए हमारे पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स, आप सबको पता है कि आज हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो डिजिटल मीडिया विंग है उसके सिलसिले में जमा हुए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया पे जो इससे पहले एक आलूदा कल्चर शुरू किया गया था उसको खत्म करने के लिए, लोगों तक रसाई के लिए, लोगों तक हक और सच की बात पहुंचाने के लिए चेयरमैन साहब ने अपनी सोशल मीडिया विंग को कहा है कि आप मजीद एक्टिव हो, लोगों को सच बताएं, लोगों को सही मालूमात दें। अदब और एहतराम जो कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान की पहचान अदब और एहतराम है। पाकिस्तान का कल्चर एक दूसरे की इज्जत है, छोटे बड़े की इज्जत है, उसको हमें आगे प्रमोट करना है। पाकिस्तान का कल्चर वो नहीं है, पाकिस्तान का कल्चर वो नहीं है जो आपने देखा कि पिछले 10-12 साल में सोशल मीडिया के थ्रू बताया गया कि जो मुखालफत करे उसको गाली दो, जो आपके नजरिए से यकीन ना करे उसको आप गंद उछालना शुरू कर दो, लोगों के घरों की भी आप परवाह ना करो, लोगों के फैमिलीज को भी निशाना बनाना शुरू करो। जो आपका मुखालिफ हो, चाहे वो ख्वातीन हो या मर्द हो, हर वो गलीज लफ्ज इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के इस सोशल मीडिया में जो कि पाकिस्तान का कल्चर नहीं था, जो पाकिस्तान में कभी इस तरह की सोच नहीं थी। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि यहां पे सोशल मीडिया में एक बदतमीजी का तूफान पैदा किया जाए। ये सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट नहीं थे, ये सोशल मीडिया के दहशतगर्द थे। ये वो सोशल मीडिया के दहशतगर्द थे, उन्होंने दहशतगर्दी की, उन्होंने सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का गलत चेहरा सामने लाने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया में हम अपने पाकिस्तान का अच्छा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएं। वो चाहते हैं कि यहां पे हम, चाहे कोई मुखालफत भी करता हो आपकी, चाहे कोई आपके नजरिए पे यकीन नहीं भी करता हो, आपने किस तरीके से उसको दलील से जवाब देना है। गाली से जवाब वो देता है जिसकी दलीलें खत्म हो जाती हैं, बदतमीजी वो करता है जिसको तहजीब इसको नहीं सिखाई जाती है। लेकिन हमने तहजीब के दायरे में रहना है, हमने चाहे कोई कितना भी मुखालिफ क्यों ना हो, हमने किसी को गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई सियासी पार्टी आप पे कीचड़ उछाले तो हमने जवाब पे कीचड़ नहीं उछालनी है, हमने दलील के साथ उनका असल चेहरा सामने लेकर आना है, उनकी असल हकीकत बतानी है, उनके बड़ों की और लीडरों की हिस्ट्री सामने लेकर आनी है। क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी यहां पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नजरिए पे यकीन रखने वाले लोग हो, आप सबसे अजीम हो, और मैं दलील से बताऊंगा आप क्यों अजीम हो। आप लोग, आपके हमेशा फखर से आपका जो है वो चेहरा वो ऊपर होना चाहिए, आप काबिल फखर हो,
क्योंकि आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की आप लीडरशिप के पैरोकार हो जिस पार्टी के लीडरान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आईन के लिए, अवाम और अवाम के हकूक के लिए अपने जान के नजराने दिए। जान से कीमती क्या चीज होती है? मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं पाकिस्तान की जिसकी लीडरशिप ने मुल्क के लिए, मुल्क के आईन के लिए, मुल्क के कानून के लिए, आईन की हुक्मरानी के लिए अपने जान का नजराना दिया। एक कोई पार्टी बता दे मुझे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ऐसी सिवाय पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के। तो आप अगर पीपुल्स पार्टी के कारकुन हो तो आपके आपके फखर के साथ आपको चलना चाहिए। कोई हमें खुदा ना खासा शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी के नाम ले लें, एक कोई पार्टी मुझे बता दे, नहीं मिलेगी हिस्ट्री आपको। हम आज खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, बड़े में बड़ा मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा का क्या था जब इसका नाम सरहद था? हमें अपनी शनाख्त चाहिए। जब सिंध नाम हो सकता है, जब पंजाब नाम हो सकता है, जब बलूचिस्तान नाम हो सकता है, तो यहां का नाम सरहद क्यों होगा? यह मुतालबा किसने पूरा किया? यह मुतालबा मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पूरा किया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पूरा किया। आज तक इससे पहले कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी हिम्मत कर सकी है? नहीं कर सकी है। आपके लीडरान जेलों में रहे हैं लेकिन कभी आगे नहीं है मुल्क से। हमारी लीडरशिप के ऊपर अदालती कत्ल हुए लेकिन अदालती कत्लों के बावजूद कभी अदलिया के खिलाफ मुहिमें नहीं चली है, कभी इदारों के खिलाफ मुहिमें नहीं चली है। आपने डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया, आपने माशाल्लाह का मुकाबला किया लेकिन कभी आपने किसी इदारे पर तंकीद नहीं की, कभी इदारों के खिलाफ आपने कभी कोई मुहिम नहीं चलाई। क्योंकि आप और हम और हमारी सबसे बड़ी हमारी लीडरशिप उसने हमेशा वो ताकीद की है कि हमें इदारों को मजबूत बनाना है, हमें सबको मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। मुल्क के जितने भी रियासती पिलर थे सबने मिलकर जुड़कर इस मुल्क को आगे बनाना है। और इस मुल्क में अगर कोई एक लीडर है जो सबको जोड़ सकता है, अगर कोई लीडर है जो सबको साथ एक टेबल पे बिठा सकता है, अगर कोई लीडर है जो इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, इस मुल्क को कामयाब करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है तो वह मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब। सबसे बड़ी आबादी खवातीन की है और हमारे नौजवानों की है। यहां पे आपने देखा हमारे जाले पीएसएफ के वर्कर, हमारे पीपुल्स पार्टी वर्कर कितने जोशीले हमारे नौजवान हैं। लेकिन अगर इन नौजवानों का कोई लीडर है जो इस मुल्क को मौशी बहरान से निकाल सकता है, जो इस मुल्क को नौजवान कयादत दे सकता है, जो इस मुल्क के मसाइल पे ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उनको हल करवा सकता है, तो उसका नाम है मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हमें जी हमें ये प्रोग्राम जो आज हम रखा है हमने, ये मेरे दोस्त सही बात कही, ये प्रोग्राम हमने पहले रखा था और हमें जो लीडरशिप की तरफ से ये ताकीद है कि हमें पूरे पाकिस्तान में डोर टू डोर जाके अपने नौजवानों को, अपने वर्कर्स को सोशल मीडिया पे मुतहद करना है, उनकी मेंबरशिप साजी करनी है, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में लेके आना है, उनके अभी अहदेदार चुनने हैं। यहां से मेरे भाई इन्होंने अभी मेहनत करनी है, इन्होंने अभी तंजीम शादी करनी, ये सारा प्रोग्राम हमने पहले करना था। लेकिन जो 9 मई को
इस मुल्क में एक सानिया किया गया, उसकी वजह से वो प्रोग्राम हमें पोस्टपोन करना पड़ा। 9 मई को पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्याह तरीन दिन के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि एक जाली लीडर, एक मस्नूई लीडर जिसको मस्नूई तौर पर इस मुल्क में इंतखाबात में जितवाया गया, जिसने आज इस मुल्क की सूरत हाल को, मुल्क की मुआशी सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क के माहौल को जिस तरह आलूदा किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। 2018 के इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जीत चुके थे खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट तब्दील किए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट में भी चेयरमैन साहब जीत चुके थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त एक मसनूई मेंढक को इस मुल्क में थोप रहा था, तो वो आपके और हमारे गले में पड़ा। लेकिन 2023 का इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। इस मुल्क को, ये मुल्क 1947 में बना, लेकिन उस वक्त जब ये सरहद था तब ये मुख्तलिफ एजेंसीज में डिवाइडेड था, कुछ 7 एजेंसीज थी मेरे ख्याल से। यहां पर चंद लोगों के पास शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हुआ करते थे, अब आपके पास। पेशावर में रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पहचान एक दूसरे का एहतराम है, हमारी सकाफत एक दूसरे को गाली देना नहीं, नजरियाती मुखालफिन के अहले खाना को निशाना बनाना सकाफत नहीं है।